एक किसान जब फसल बोता है तो पहले ही कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा होता है। इस देश में किसान की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस पर कोड में खाज का काम करती है खेती से जुड़ी परेशानियां, फिर चाहे बात मौसम की हो, धन की हो, पानी की हो या फिर फसल बेचने की हो, हर एक स्तर पर किसान जूझता ही है। तब कहीं जाकर एक आम आदमी की थाली में अन्न आता है। ऐसी ही एक परेशानी से आज आपको रूबरू करवाते हैं। उदय सागर से एक नहर जो धूनी माता से होकर निकल रही है, धूनी माता में आश्रम के पास से ये जो छोटी नहर निकली हुई है, ये किसानों के खेतों में सिंचाई का अहम जरिया है। यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जिसकी चाबी एक निजी व्यक्ति राधेश्याम गनौली को दे रखी है। अब ये जो महाशय हैं, ये सिंचाई के लिए पानी देने के लिए लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ये शिकायतें ग्रामीण किसान खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदमी पानी नहीं देता है और किसानों को परेशान करता है। उक्त शिकायत विभाग को भी की गई, पर कर्मचारियों की मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सुनिए ग्राम पंचायत धूनी माता के उपसरपंच नानालाल नागदा क्या कहते हैं। मेरा नाम नानालाल नागदा है, मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत धूनी माता उपसरपंच हूँ। और स्थिति ये है, यहाँ पे जो उदय सागर से नहर आ रही है, मेन कैनाल से यहाँ पे एक नहर का दौरा निकला हुआ, उसके ऊपर गेट लगा हुआ। गेट हर वर्ष यहाँ पे जो पिलाई का जो काम किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे रखा है, राधेश्याम करके है यहाँ पे गनौली के, वो हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पे लोगों से अवैध वसूली करते हैं और फिर पानी देते हैं। अभी आज नहर आए 10 दिन हो गए, 10 दिन में स्थिति ये है कि लोगों के खेतों में गेहूँ डाल रखे हैं और गेहूँ पानी नहीं मिलने की वजह से सारे गेहूँ बर्बाद हो रहे हैं और ये चिड़िया वगैरह गेहूँ को खा रही है। और लोगों को शिकायतें मिली तो शिकायतों के आधार पर हमने एक्शन साहब से बात की, एक्शन साहब से कोई रिप्लाई नहीं मिला हमें। इसका एक ग्रुप बना हुआ उदय सागर का, उसमें मैंने शिकायत डाली कि आपके इसमें विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और निजी व्यक्तियों के हाथ में आपने जो ये दे रखा है गेट खोलना बंद करना, ये निजी व्यक्ति ग्रुप बना के और किसानों को परेशान कर रहे हैं, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज परेशान होकर मुझे ये बात मीडिया में बोलनी पड़ रही है और बड़े शर्म की बात है कि आज इतना आधुनिक समय होते हुए भी ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और ये निजी व्यक्ति यहाँ पे पूरी गुंडागर्दी करते, लोगों से बदतमीजी करते किसानों से, और किसी प्रकार का कोई भी विभाग की तरफ से कोई भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि अभी परिस्थितियाँ दिख रही है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि विभाग इनके साथ में मिला हुआ है। सुना आपने, अब इसके आगे आप ग्रामीण किसान की भी बात सुन ही लीजिए। नाम है साहब रो लोगर कटे रो मु गणो ले रहा हूं। अच्छा, कर के तो कतली जगह वैरा की हटे अटे तो पसी भी कर जगह वैरा की है। गांव छाट देता गांव छाटे मिल जा 5-7 दिन भी आए। पानी कटे आवे, गेट तो बंद करे मिल जो। क्यों क्यों बंद की दो? अबे आज बना रहा हार ना जाने कई करा, मैं रोज पाई खाई जाना कहते हर साल क्या के बंदी कोई नहीं देते कोई तो आगे ले जा पानी है पया दे नहीं जो पया दे नहीं जो पया मांगे। हां अच्छा, नहीं अटे कौन है, अटे हारनियो कौन है? अटे हारनियो तो कौन है जो ना राधे शाम से मिलने मिलियो है। हां ना प्रेम जी तो ना आवे नहीं। हां कड़ी के दान आवे। अच्छा, मैं भी फोन किरो बना दियो के वो एक लोगर करे ने कोई नामरी रो। हाँ। बने क्यों चाबी तो मैं कड़े धाड़ा में फेंकी दी थी, वल्लभ नगर आटी घूमी रहा हूँ। हाँ। 2-4 दिन केड़े खोला। हाँ। 2-4 दिन केड़े। हाँ यूं कह रहा भाई करी तो नार बना कहीं कहूँ, ये तो सब नुकसान भी रहो। अबे अंडी की कार्रवाई सरकार भेजा, सरकार कार्रवाई करे लगे गई। अरे मैं तो पसी विकना साठे मिल जाने पसा विकना तो कम लोग के और साठे मिल जाने। अरे बासा पूरी सही बात करी रहा मैंने। हाँ पर मैं यार गेट खोले नहीं तो अपना कहीं किरा बुझना कहीं जा। हर साल यूं परेशान करे, हर साल यूं रही हो परेशान। ठीक है। इस पूरे मामले पर सीबीसी न्यूज ने एक सेन इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है यही हाल ग्रामीणों के साथ भी रहता होगा। खैर, बात किसानों की है, ग्रामीणों की है, जिनका हक है इस पानी पर जो वो सिंचाई के लिए चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें ये पानी नहीं मिला तो जो गेहूं का बीज उन्होंने बोया है वो पक्षी खा जाएंगे और इस तरह फसल को नुकसान होगा। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस पर कोई जवाब किसी के पास होगा नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस पानी पर ये जो निजी पहरा है, इस पर कार्यवाही की जाए और ग्रामीणों की परेशानी का समाधान समय रहते कर लिया जाए।